एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ हमें एग्जामिन करना है वेदर यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF. आप ये ट्रायंगल बना सकते हो या नहीं बना सकते बताना है, प्रूफ करना है एक्चुअली, जिसमें EF जो है, जो EF है ये आंसर है, लिखना है ये EF जो है 7.2 सेंटीमीटर है, एंगल E जो है वो 110 है और एंगल F जो है वो 80 डिग्री दे रखा है. और जस्टिफाई योर आंसर, मतलब वो सॉल्व कह रहा है सॉल्व करके आप प्रॉपर बताओ. तो जो ट्रायंगल को देखना हो कि ये जो है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा, वो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करके बताएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है या नहीं. मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. कोई भी ट्रायंगल होगा उसके अगर तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे ना तो 180 डिग्री आना चाहिए. अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा या कम है या ज़्यादा है तो वो ट्रायंगल नहीं बनता. ठीक, तो एंगल ई, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए. मतलब डी ई एफ को प्लस करने पे 180 डिग्री आना चाहिए. अगर 180 से कम होगा तो भी नहीं ट्रायंगल बनेगा, अगर 180 से ज्यादा होगा तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा. तो डी एंगल हमें दे नहीं रखा, ई एंगल दे रखा है मुझे 110 प्लस एफ दे रखा है मुझे 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये सारा आंसर में लिखना है आपको, ये आंसर है ये आपको लिखना है. ठीक है, क्योंकि उसने बोला है जस्टिफाई योर आंसर, लिख कर बताओ. एंगल डी प्लस ये कितना हो गया 190 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप ध्यान से देखो, यहां पर ये 190 डिग्री है प्लस का और उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 190 डिग्री. और जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमने चैप्टर 4 में किया था लीनियर इक्वेशन, है ना, उसमें हमने किया था कि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी वाली डिजिट का साइन लगता है. तो यहाँ पर बड़ी वाली डिजिट 190 है तो माइनस 10 डिग्री होगा. अब आप किसी भी ट्रायंगल में या किसी भी एंगल का जो डिग्री है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, कभी भी माइनस में नहीं होता. और यहाँ पर 190 जो है 180 से ज़्यादा है. तो एक तो यहीं पर ही ये क्रॉस हो जाता है कि ये बनेगा ही नहीं ट्रायंगल, पहला तो यहीं पर ही प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रायंगल नहीं बनेगा. ठीक है, फिर जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमने पाया कि 190 जो है 180 से बड़ा है. ठीक है, तो सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल डी ई एफ. तो इसलिए ये ट्रायंगल हम नहीं बनाएंगे, इसको सिर्फ हमने जस्टिफाई करना था. और यहीं पर आपकी जो एक्सरसाइज है 10.4, यहीं पर आपकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 10.4 इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पर ये फिनिश हो जाती है बाय योर टीचर द्वेंद्र कौर.